ओके मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ उत्तराखंड की तरफ। और बहुत टाइम के बाद ये मेरी सोलो ट्रिप है और मैं जा रहा हूँ कुसानी। जी हाँ, इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड। बड़ा नाम सुना है इसके बारे में, तो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था। मैंने प्लान किया था कि मैं सुबह 4 बजे जो है दिल्ली से कुसानी के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फ़िलहाल दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन अभी बाइक में है पेट्रोल कम, तो सबसे पहले काम है हमारा पेट्रोल डलवाना और उसके बाद सीधा हल्द्वानी की तरफ रवाना होना। अब हम रेडी हैं निकलने के लिए। तेल भी हो चुका है। मुझे लग रहा था कि कम से कम 1100 रुपये का डलवाने के बाद भी टैंक जो है थोड़ा सा खाली रहेगा, लेकिन टैंक जो है ना बिल्कुल ऊपर तक भर गया है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, थोड़ा सा टैंक खाली छोड़ना चाहिए। और हवा का प्रेशर भी चेक हो गया है, तो बस अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों, ये था हल्द्वानी और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बजने वाले हैं, मतलब 9:50 टाइम है। और गूगल के अकॉर्डिंग जो है मुझे यहाँ पे तकरीबन 11:30 बजे तक यहाँ पहुँचना चाहिए था। जब मैं घर से चला था तो गूगल ने यही एस्टिमेट टाइम दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे 10 बजे से पहले पहुँच गया हूँ। और रानी बाग यहाँ से कोई 8 किलोमीटर आगे है और हम मतलब कह सकते हो कि मैं बिफोर टाइम हूँ यहाँ पे, वो भी 1.5 घंटा पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जो है सही टाइम पे पहुँचूँगा। मैं कुसानी से इस वक्त करीब 5 या 6 किलोमीटर पहले हूँ और सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रुका हूँ, एक छोटी सी जगह है, रोड साइड एक ढाबा है और यहाँ से जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
अभी मैं पहुंच गया हूं कुसानी, और मैंने कुसानी से तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर आगे एक होम स्टे जो है किया है, और मैं आपको दिखाता हूं। ये व्यू देखिए, है ना कमाल का व्यू। बस आज थोड़ा सा लक ख़राब है, आज बादल हो रखे हैं, इसलिए यहाँ से हिमालयन रेंज क्लियर नहीं दिखाई दे रही। चलो आपको अपना रूम दिखाता हूँ। सबसे पहले ये रहा मेरा रूम, और आते ही मैंने अपना सामान पूरा बिखेर रखा है। ये देखिए मेरी राइडिंग जैकेट, हेलमेट, सिंगल बनने के लिए अच्छा रूम है। और रूम से बाहर निकलते ही व्यू देखिए, दोस्तों मैंने अपने होम स्टे में चेक इन जो है करीब 3:30 बजे करीब किया, और उन भैया ने मेरे को बताया कि मैं अभी जो है अनासक्ति आश्रम और पंत जी का जो म्यूज़ियम है वो विज़िट कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों जगह जो है शाम के 5 या 5:30 बजे तक ओपन रहती है। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है पंत जी के म्यूज़ियम की तरफ जा रहा हूँ, वापस कुसानी की तरफ। दोस्तों अभी मैं आया हूँ इंडिया के फेमस हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंसी के घर, और दोस्तों ये घर भी है और छोटा सा म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे उनकी लाइफ से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें यहाँ पे संभाल के रखी हुई हैं। तो एक्चुअली कुसानी की जो मेन मतलब जगह हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनमें से पंत जी का जो म्यूज़ियम है या आप कह सकते हैं उनका घर है, वो उनमें से एक है। और हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी क्लास में उनकी कविताएं ज़रूर पढ़ी होंगी, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने 9th और 10th में उनकी कुछ कविताएं पढ़ी थी। और ये वो घर है जहाँ पे पंत जी का जन्म हुआ था, मतलब ये वो मेन बिल्डिंग है, और जो म्यूज़ियम है वो घर का पिछला हिस्सा है। अभी फ़िलहाल इस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि रिनोवेशन का क्या क्या काम चल रहा है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर काफ़ी रिनोवेशन का काम चल रहा है, और ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ये पूरा भी हो चुका है, और हो सकता है कुछ टाइम बाद जो है इस घर को जो है प्रॉपर म्यूज़ियम में बदल दिया जाएगा। अब चलते हैं घर के पिछले हिस्से की तरफ, जहाँ पे अभी म्यूज़ियम बनाया हुआ है और उनकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे रखी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये कुछ उनकी पिक्चर्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट, और ये उनकी जैकेट, ये उनका बेड, और ये उनकी अलमारी, इसमें उनकी लिखी हुई किताबें भी हैं, और वो जो किताबें वो पढ़ते थे वो सब वो इसमें रखी हुई है। तो ये था पंत जी का घर, और यहाँ के मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जिनकी कविताएं मैंने कभी बचपन में पढ़ी थी, और उनका घर देखना, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें देखना, वो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अब चलते हैं यहाँ से अनासक्ति आश्रम की तरफ, जो कि यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और मैं आ गया हूँ अनासक्ति आश्रम। ये इसका मेन गेट, यहाँ से एंट्री करते हैं, और जो सामने खूबसूरत बिल्डिंग है ये आश्रम की बिल्डिंग है, गांधी जी के 3 मंदिर, और चौथा भी मुझे मिल गया जो सामने बैठा हुआ है, शर्माओ मत। एक्चुअली इस आश्रम में रह के गांधी जी ने अपनी एक किताब लिखी थी, अनाशक्ति योग, और जिसकी वजह से ये आश्रम बहुत फेमस है। और ये इस आश्रम का प्रेयर हॉल, जहाँ पे रोज़ शाम को प्रेयर होती है, लेकिन कोरोना की वजह से अभी फ़िलहाल यहाँ पे अभी कोई प्रेयर नहीं हो रही है। यहाँ से अनासक्ति आश्रम का एक खूबसूरत व्यू, और अब यहाँ से चलने का टाइम हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।